एशियन की व्यूअर्स, आज हम अगली वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं द स्कूल टीवी और इसमें हमारा आजकल जो सिलसिला चल रहा है वो कोविड 19 के दौरान कुछ बिजनेस व्यूज जो है डिस्कस होते हैं। तो हमने इनक्यूबेटर की वीडियो आपने बहुत पसंद की, हमने वो वीडियो बनाई थी जिसमें आपको इनक्यूबेटर बनाने का प्रोसेस जो है फुल बाय फुल बताया था। और उसमें के बाद एक और वीडियो बनाई जिसमें हमने एग जो है उससे चूजे निकलने का प्रोसेस डिस्कस किया। और अब आते हैं हम इनक्यूबेटर जो बनाया था उसकी तरफ कि उसमें कैंडलिंग करने का प्रोसेस। और पिछली वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि जी कैंडलिंग का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो आज एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका, आठवां दिन आज जो है इनक्यूबेटर का स्टार्ट किए हुए हैं हो चुका। और करते हैं, आपको लिए चलते हैं कैंडलिंग की तरफ। प्रोसेस सीखिए, वो लोग जिन्होंने कभी कैंडलिंग नहीं की हुई है उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है पहले तो इनक्यूबेटर बनाने का। इसके साथ आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये काम हम खुद जो है पार्ट टाइम बाज़ोकात जो है जो फारग वक्त हो तो उसमें करता हूँ। और ये चीज़ें जो है एक थोड़ी सी लिमिटेड सी जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है फ्रूटफुल है ये मेरे लिए। तो हम जाते हैं इनक्यूबेटर के तरफ जहाँ पर हम कैंडलिंग का प्रोसेस सीखेंगे। कैंडलिंग होती क्या है ये भी बताते चलूँ, वो लोग जिन्होंने इससे पहले नहीं सुना या नहीं देखा हुआ या उनको नहीं पता, तो चूज़ों को चूज़े निकालने के लिए अंडों से जो इनक्यूबेटर में हम अंडों को रखते हैं तो वो कुछ डेज में जो है वो क्या करते हैं कि उनमें एम्ब्रियो उनका बन जाता है। और एम्ब्रियो बनने से पहले के उसके मराइल जो है होते हैं जिसमें शेड आपको नज़र आने लगता है। आज हम इसमें अंडों में से वही शेड देखेंगे। एक अंधेरे कमरे के अंदर जो है वो आपको लाइट लगानी है, ये मोबाइल की लाइट भी हो सकती है और कोई भी कैंडलिंग के लिए जो है तेज लाइट हो सकती है जो एक छोटे बल्ब पर मुश्तमिल हो। अंधेरे कमरे में आप अंडों को बारी बारी उसके ऊपर रख के चेक करें और जिसके अंदर जो है वो अगर आपको कोई शेड महसूस होते हैं तो वो अंडा जो है फर्टाइल है, उससे पता चला कि इसमें से चूजा निकल सकता है। और अगर आपको ये महसूस होता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जो है हल्का सा शेड है, ये उसकी जो है येलोइश पार्ट होगा, तो समझ लें कि वो फर्टाइल नहीं था, इसलिए वो अंडा ज़ाया हो रहा है। तो इनक्यूबेटर में जब आपके पास जगह की गुंजाइश भी बन जाती है इस तरीके से और आप अंडों को फर्टिलिटी के बाद जो है मुतमिन भी हो जाते हैं कि हाँ इन अंडों पर हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। ये फर्टिलिटी होने के बाद जो है ये प्रोसेस हमारा कुछ दो हफ्ते मज़ीद चलेगा और फर्टिलिटी के पता चल जाने के बाद। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि चूजे जो उससे निकले हैं वो दूसरे इनक्यूबेटर के भी और इसकी भी वीडियोज आपको बताई जाएंगी वो कैसे हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज हैंडलिंग का प्रोसेस सिखाया जाता है। थैंक यू। ये हमारे पास जो है मोबाइल की लाइट है और ये हमने हाथ में ही पकड़ी हुई है। इस पर मैंने इस तरह एक अपने हाथ का की डायरेक्शन इस तरह रखी और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें फुल फिल हमारे पास जो ये रगें भी नज़र आ रही हैं। और अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास जो है फर्टाइल एग है और ये हमारे पास जो है बिल्कुल उसमें जो है एम्ब्रियोस का बनने में है और लगभग वो बन चुका है और ये फर्टाइल एग है। हम इसको वापस रखते हैं। दूसरा एग हमने ले लिया, लाइट पर रखा और ये भी बिल्कुल आपके सामने कि इसकी भी फर्टिलिटी और बिल्कुल जो है वो आपके सामने ये दिस पार्ट इज एयर पार्ट, ये इसके जो है इस पार्ट में हवा होती है और इसको अंडे में से बन चुका है, बिल्कुल ये रेडी है
और एक हफ्ते में इनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, ये हो चुके हैं, ये एमडी उसका बन चुका है। तीसरा भी फल देख ले लेते हैं, बहुत ही मैसिव किस्म का अंडा है ये हमने रखा, इसमें भी ये बन चुका और मूव कर रहा है, ये हमें नजर आ रहा है सामने, इसकी रगें नजर आ रही हैं। आप को यकीनन जो है ये इस पर हमने ये इसका ये देखें, सबसे पहले इसको ये डार्ट नजर आ रहा होगा, ये आपको रगें नजर आ रही होंगी, तो ये कैंडलिंग में हम इसको क्लियर हो जाता है कि ये अंडा भी फर्टाइल है। तो हम बारी बारी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो ये एक एग अभी मेरे पास पहला एग इसमें आया, 42 एग रखे हुए थे और ये उसमें अनफर्टाइल नजर आ रहा है, यानी इसमें कोई खास इस तरह नहीं, लेकिन लाइट सा इसका जो है वो शेड हमें या मिल रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि एक आध दिन बाद जो है शायद इसमें कुछ मजीद इसकी एम्ब्रियो की ग्रोथ हो जाए, लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। इस तरह के एग जो है वो आफ्टर 7 डेज अगर नहीं हुए तो फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह फिर मजीद हो। ये एक और एग लिया, इसमें बिल्कुल हमारे सामने ये बना हुआ है और इसकी फर्टिलिटी देखें, ये रगें बिल्कुल इसकी बनी हुई हैं और ये वाइट एग है हमारे पास, वो दूसरे ब्राउन थे, तो ये फर्टाइल है। एक और एग हमने लिया और इसमें भी आपको ये नजर आ रहा होगा, जिस हम ये व्यू इसका देख सकते हैं आप लोग कि कैसे ये जो है वो उसकी रगें भी नजर आ रही हैं, उसका जो है कुछ दिनों बाद हार्ट बीट भी नजर आएगी आपको, और ये एक था हमारे पास फर्टाइल। तो इसमें हम एक चीज और भी आपको बताते चलें कि ये रोटेशन भी साथ साथ में कर रहा हूं, ये इसके एक साइड पर मैंने प्लस लगाया हुआ है, एक साइड पर माइनस, या इस पर टिक लगाया हुआ है और दूसरी साइड पर क्रॉस, तो ये भी हमने इस वक्त चेंज कर दिया और क्रॉस वाली साइड इसके नीचे कर ली हमने जो है। आज के ये दो प्रोसेस आपको इसमें बता दिए, एक था रोटेशन का और एक था कैंडलिंग का, तो ये हमने इसको बंद कर दिया, इस पर हमने प्लास्टिक लगाई हुई है ताकि जो है ये ह्यूमिडिटी लेवल इसका कंट्रोल हो सके। ये हमारे इनक्यूबेटर ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया, तो इनक्यूबेटर को हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इनक्यूबेटर से जो है वो हमने इस वक्त प्रोसेस इसका दोबारा शुरू हो चुका, और तो हमारे पास जो है सिर्फ एक दो एग जो है वो 42 में से अनफर्टाइल हमें नज़र आए, वो भी मैंने उसमें ही रख लिए वापस ही, तो ये मुमकिन है कि ये 40 का रिजल्ट हमारे पास है, पॉसिबल है कि वो इंशाल्लाह ताला, तो इनके लिए दुआ भी करना आप लोगों ने भी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई हो सके। थैंक यू।